एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट वाला में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने कल से एक हॉटस्पॉट सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसकी एपिसोड नंबर 2 है। तो आज का मेरा टॉपिक है यू बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यू बैक्टीरिया दिया गया है। मैं पूरी उसकी थ्योरी और एनसीईआरटी में क्या है पूरा डिस्कस करूँगी। अगर आप चैनल पर पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस पाने के लिए। ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है नीट 2025 के लिए। अगर आप मिस कर दोगे तो आपके लिए ही दिक्कत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। यू बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल पाया जाता है, मोटाइल होते हैं। इसमें जो साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, और सिमिलर होते हैं ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ होते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, द साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर कॉलोनी एंड फिलामेंटस। आपको एक एक लाइन ध्यान रखना है, यूनिसेलुलर कॉलोनी एंड फिलामेंटस। फ्रेश वाटर मैरीन और टेरेस्ट्रियल, इसकी जो कॉलोनीज किससे सराउंडेड होती है, ग्लूटेनियस शीथ के द्वारा। जैसे यहाँ लिखा है, ये जो नॉस्टॉक का फिगर दिया गया है, नॉस्टॉक का फिगर दिया गया, इसकी जो बॉडी कवर होती किससे कवर होती है, मोसिनेजियस शीथ के द्वारा। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा हेट्रोसिस नॉस्टॉक एंड एनाबीना, एग्जाम्पल ध्यान रखना है। अब आते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ये क्या ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीडेशन करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, जैसे कि नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट एंड अमोनिया हो गया। और ये रिलीज करते हैं एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन का मतलब एनर्जी। एंड दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट, जैसे कि रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट किस में करते हैं हमारा, नाइट्रोजन में करते हैं, फॉस्फोरस में करते हैं, आयरन में करते हैं, और सल्फर में। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर होते हैं। ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। एंड दे आर हेल्पफुल मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध सॉरी दही से दूध बनाने का प्रोसेस क्या है, लैक्टोबैसिलस। एंड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम प्लांट्स। रूट्स में इसमें पैथोजन कुछ डैमेज करते हैं ह्यूमन बींग्स को, जैसे कि हमारा हो गया कोलेरा, टाइफॉइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया, सब बैक्टीरिया से होता है। एक ऑप्शन आ जाता है कि कौन से डिजीज बैक्टीरिया से होते हैं, कौन से वायरस से होते हैं, वेक्टर बॉर्न, इस ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन, फिशन से होता है, FISSION है। सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन क्या बनाता है, स्पोर्स। दे रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर। होप आपको ये बैक्टीरिया समझ में आया होगा। इसके अलावा और अगर आपको कोई डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।